Community Live, a platform to sharing your thoughts. नमस्कार दोस्तों, सिटी लाइव में आपका हार्दिक स्वागत है और आप इस समय देख रहे हैं आपकी बात हमारे साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार पूरा देश और दुनिया जो है कोविड-19 की महामारी से पीड़ित है और लगातार हम सिटी लाइव के माध्यम से आपको अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करवाते रहते हैं, उनसे बातचीत करवाते रहते हैं और उनकी जो बात है वो आम जनता तक पहुंचाने की एक कोशिश है सिटी लाइव की। तो आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं हमारे कार्यक्रम में, आप हैं आबिद कागजी साहब जो कि चेयरमैन हैं राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग कांग्रेस के, और साथ में हैं अब्दुल लतीफ साहब जो कि अध्यक्ष हैं दलित मुस्लिम एकता मंच के। आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे क्योंकि रमजान का जो पाक महीना है वो एक दो दिन के बाद चांद दिखने के बाद से ही जो है शुरू हो जाएगा और इस पवित्र महीने में इबादत का महीना होता है जिसमें हम दुआएं करते हैं पूरे विश्व के लिए, सभी मानव जाति के लिए। तो इस महीने में खास बात क्या होती है आबिद जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं हमारे बुजुर्ग भाई, हमारे राजस्थान के नेता लताब को सलाम अर्ज करूंगा और अभी आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया। आपने जैसे देखा है पूरे हिंदुस्तान, पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है, पीड़ित है जी और ये सिलसिला लगातार 1.5-2 महीने से हमारे भारतवर्ष में लगातार चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है जी और स्थिति तो काफी हद तक हमारे राजस्थान में ठीक है। माननीय सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने काफी हद तक इसको कंट्रोल भी किया है। लगातार लॉकडाउन के चलते आगामी दिनों में 2 दिन बाद रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है और रमजान का मुकद्दस महीना 12 महीनों में सबसे अफजल महीना माना जाता है, इबादत का महीना जाता है, बख्शिश का महीना माना जाता है। लोग खुदा के सामने, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करते हैं, इबादत करते हैं ताकि उनको उनके पिछले किए गए गुनाह और आने वाला जीवन उत्तम हो। इसके लिए क्योंकि ये कोविड-19 की महामारी के बीच में, लॉकडाउन के बीच में ये महीना आने वाला है, ये शुरू होने वाला है, तो सभी जिलों में आदमी से हाल अल्पसंख्यक वर्ग से हमने ये डिमांड की, मांग की है कि जिस तरह उन्होंने पेशेंस के साथ, इज्जत के साथ, सबर के साथ घरों में रहकर इबादतें की है पूरे महीने भर जी, मस्जिदों में 5 आदमी अलाउ है, इसी तरह आगामी दिनों में भी मस्जिदों में ना जाकर घर में तरावी का इत्माम करें, नमाजों का इत्माम करें, रमजान का इत्माम करें, घर में जितनी इबादत हो सके इबादत करें, खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि जो हमारा मुल्क जी, जो सांप्रदायिक स्वार्थ की एक मिसाल है उसमें अमन शैन भाईचारा बने रहे और ये बीमारी का जल्द से जल्द खात्मा हो। इसके लिए निश्चित तौर पर क्योंकि लॉकडाउन लगा, जी जी बताएं, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है कई जगह, ऐसी भी समस्याएं हैं पूरे महीने भर से कि लोगों के पास खाने के पीने की राशन की किल्लत जो आ रही थी, कुछ राज्य सरकार ने, कुछ समाजसेवी संगठनों ने और अल्पसंख्यक विभाग जो राजस्थान से लगातार कार्य कर रहा है, जितनी कोशिश हो सकती थी कोशिश करके उन जरूरतमंद लोगों तक खाने के किट, खाने के सामान, पका हुआ खाना, राशन, ये सभी मुहैया कराने की पूरी कोशिश की है और आगामी दिनों में भी रमजान किट के लिए, रमजान में आने वाली समस्याओं के लिए कोशिश करेंगे कि उन तक वो सभी जरूरत का सामान पहुंचे, कोशिश है। मैं नहीं मानता कि 100% लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे लेकिन कोशिश करेंगे और लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि लोग रमजान में जिस तरह एक दूसरे की वैसे भी मदद करते हैं, 4 गुना ताकत से मदद करेंगे निश्चित तौर पर। अब्दुल लतीफ साहब, हम आपसे यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि रमजान का जो महीना होता है उसकी क्या खासियत होती है? देखिए, रमजान के महीने की खास बात ये होती है कि ये पूरे साल में जो एक महीना आता है जी, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महीना होता है। इसमें हम लोग सब अल्लाह के सामने इबादत करते हैं, रोजे रखते हैं, गिड़गिड़ा करके अपनी तमाम दुआएं मांगते हैं और ख़ास इसमें जो बात होती है वो ये होती है कि हमने जो कुछ भी साल भर के अंदर कमाया और हमारे पास जिसके अंदर साल भर जिस पैसे पर गुजर गया
उसका 2.5% हम जकात देते हैं जी। उस जकात से गरीबों का भला होता है। तो मैं इस मौके पर, अब तक मैं मेरी लाइफ में मैंने ऐसा कभी भी ये नहीं देखा जो इस दौर चल रहा है, तो मेरा ये कहना है तमाम देशवासियों से, समाज के लोगों से, कि भाई ये जो कोरोना की जो बीमारी आई हुई है, इस बीमारी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी इबादत घरों में ही करें, घर के बाहर मस्जिदों में ना जाएं, ना रोजा खोलें, ना तरावी मस्जिदों में जाकर के पढ़ें, ना किसी तरह की कोई नमाज पढ़ें, सारे काम घर ही में करें। और घर में भी आपको उतना ही सवाब मिलेगा कि जितना मस्जिदों में जाने से मिलेगा। एक तो मेरी निवेदन हमारे तमाम देश के मुस्लिम से सबसे ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, और इस मुल्क से जल्दी ये कोरोना खत्म हो जाए, इस बात की अल्लाह से दुआएं मांगे। इसके अलावा दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोरोना जो है इसको खत्म करने का और इससे जल्दी निजात पाने का एक ही रास्ता है, तमाम लोग एक दूसरे की मदद को खड़े हो जाएं। अगर हम एक दूसरे की मदद को खड़े हो गए, गवर्नमेंट के नियमों का पालन किया, तो ये कोरोना किसी भी हालत में लंबा नहीं चलेगा और जल्दी खत्म हो जाएगा। और मैं खास तौर से हमारे मुसलमान भाइयों से बात कहना चाहता हूं कि इस कोरोना को खत्म करने के लिए हमारी जकात जो हम निकालते हैं, आप अपने हिसाब करें, अपने माल का पाई पाई का हिसाब करें और हिसाब करके, और 2.5% जकात जो बनती है उस जकात पर राशन की किट बना करके हर घर पहुंचाएं। आज हर घर में इस बात की परेशानी है कि पिछले एक महीने सवा महीने से जो लोगों ने अल्लाह की राह में मदद की है और लोगों की एक दूसरे की मदद की है, लोग थक गए होंगे, लोगों के बजट खत्म हो रहे होंगे, लोग परेशान होंगे। इसलिए हम खास तौर से मुसलमानों से बात कहना चाहते हैं कि अपने जकात के पैसे की खाने की किटें बनाएं कि कम से कम एक महीने का खाना एक परिवार का हम उसके घर तक पहुंचाएं, ताकि वो रमजान के अंदर आराम से रमजान रखे और किसी तरह की उसे तकलीफ भी नहीं हो और हमारा फर्ज भी अदा हो जाए, जो जकात हम पर फर्ज है वो भी सही लोगों तक पहुंच जाए। हमें इस वक्त और जगह जकात नहीं खर्च करके और सिर्फ इस बात में जकात खर्च करनी चाहिए कि भूखे को खाना खिलाएं, और उसमें कभी भी ये ना देखें कि ये मुसलमान है या कोई और जात का है। जो गरीब है, जिसके पास खाना नहीं है, वो इस पैसे का हकदार है, उसे खाना देना चाहिए, उसके घर तक पहुंचना चाहिए, हमें पहुंचाना चाहिए, इज्जत के साथ पहुंचाना चाहिए, किसी को पता भी ना लगे कि इसके घर में खाने की कमी है और इसलिए हम जता करके खाना ना दें, खामोशी से उन तक ये अपना खाना पहुंचाएं। अगर ये तरीका हम अपनाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेगा, कि जो इंसानों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है और पूरे मुल्क की मदद होगी। हालांकि मैं पूरे मुल्क के लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि ये इस वक्त हमें नफरत फैलाने का टाइम नहीं है। हर दिन टीवी चैनलों पे हम ये देखते हैं कि कोई ना कोई नफरत की बात इस तरह से फैलाई जाती है कि लोगों में भेदभाव हो रहा है, लोगों के अंदर एक दूसरे से नफरत हो रही है, लोग एक दूसरे को मुसलमान होने के नाम पूछ करके और उनके आई कार्ड देखते हैं और अपने मोहल्लों से सब्जी या कोई भी चीज लेन देन का काम करने लगे हैं। ये नफरत जो है इसे हमें खत्म करनी चाहिए। मैं हमारे तमाम मुल्क के हर समाज के लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ, ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, ये नफरत फैलाना बंद करें। ये नफरत की आग मुल्क के बाहर जा रही है और विदेशों से भी इसकी आवाज उठने लगी है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुम सताओगे और परेशान करोगे तो हमारे यहाँ करोड़ों इंसान, लाखों इंसान, हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी रह रहे हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि हमारे दूसरे मुल्क के लोग ये हमें चैलेंज करें। आप और हम सब मिलकर के इस कोरोना में भाईचारे को बढ़ाएं। इस बात की मैं आपसे अपील करता हूं कि इस भाईचारे को बढ़ाएं और तमाम लोग रमजान अपने घरों में इफ्तार करें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा मदद करें।
ये मैं निश्चित तौर से बिल्कुल लतीफ साहब आपकी अपील बिल्कुल जायज है। हमें किसी भी तरह की जो सांप्रदायिकता है उसको नहीं फैलाना चाहिए, सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो किसी भी जाति का हो। लेकिन यहाँ पर मेरा अब्दुल साहब आपसे ही एक सवाल ये भी है कि जो लोग इस महामारी के समय जैसे डॉक्टर हैं पुलिसकर्मी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उनके साथ जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनको जो घायल कर रहे हैं, पुलिस वालों को डॉक्टरों के ऊपर जो गलत थूक रहे हैं कुल्ला कर रहे हैं या उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी आपको क्या कहना है? देखिए मैं उन लोगों से अपील करता हूं कि खुदा के वास्ते आप लोग ऐसी कोई गलती ना करें। अगर डॉक्टर हमारे यहाँ आते हैं जांच करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं, अगर हम जांच करा लेंगे तो हम बीमारी से बच जाएंगे। अगर कोई पुलिसकर्मी हमें रोकता है और वो कहता है कि भाई तुम इस वक्त लॉकडाउन है कर्फ्यू है इसमें ना आए तो हमें नहीं जाना चाहिए, हमारी कोई बहुत बड़ी मजबूरी है तो उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ये हमारी मजबूरी है, हमें खाने की जरूरत है या हमें कोई दवा लाने की जरूरत है, तो पुलिसकर्मी भी इंसान है वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम पुलिसकर्मी से लड़ेंगे तो वो हमारी पिटाई करेंगे। तो मैं ये अपील करता हूं मुल्क के हर इंसान को कि आप इस मामले में कानून ना तोड़ें और किसी के साथ भी ऐसा ना करें। और साथ ही मैं अपील करता हूं उन चैनलों से कि जो झूठे व्हाट्सएप के ऊपर ये खबरें चला देते हैं और बाद में पुलिस द्वारा उनका खंडन होता है, पुलिस खुद कहती है कि किसी ने भी नर्सों पे नहीं थूका, कोई भी नर्स के सामने अपने कपड़े नहीं उतार रहा है, ये झूठ खबर है। जब ऐसी खबरें सुनते हैं तो हमें एहसास होता है कि क्या हो गया हमारी मीडिया को कि जो इस तरह की खबरें फैलाती है। कल ही मैंने खबर पढ़ी कि जिसमें लिखा था, आज ही पढ़ी बल्कि पत्रिका में, कि 159 लोग जो है कोरोना में रामगंज बाजार में आए। अब ये क्या मामला है? और जब नीचे पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वो पूरे जयपुर शहर के लोग हैं। तो ये हेडिंग ऐसी लगाते हैं कि लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे वो मुसलमानों से नफरत करने लग जाते हैं। इसलिए प्लीज प्लीज मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, जो सच है वही छापें, जो सच है वही दिखाएं। ये दौर नफरत बांटने का नहीं है, खुदा भी उनको माफ नहीं करेगा, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी फैमिलियां हैं। अगर उन्होंने ऐसी हरकत नहीं छोड़ी तो वो दिन दूर नहीं है कि आप भी उस मुसीबत में आ सकते हैं कि जिस मुसीबत से आप लोगों को फंसाना चाहते हैं, आप झूठे इल्जाम लगाना चाहते हैं। आप सच बात कहिए। मैं अपील करता हूं हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से कि मुस्लिम कौम बदनाम हो रही है, अगर आपसे कोई ऐसी गलती हुई है तो आप माफी मांगे, आप माफी मांगे उन लोगों से और आप बिल्कुल दोबारा ऐसी गलती ना करें। मैं खुदा के वास्ते हर मुसलमान से अपील करता हूं, और वैसे भी मुस्लिम को चाहिए, इस्लाम धर्म नफरत नहीं फैलाता है। हाँ कहीं कहीं हमारे पास जो क्वारंटाइन में ले जाते हैं उनको कहीं खाना नहीं मिला, कहीं दूसरी तकलीफें हुई है, उसको लेकर लोग डर गए हैं। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इंतजाम में दिक्कत आ सकती है। आपको और मेरे को अगर कोई ले गया हाथों हाथ, मान लीजिए उनके पास व्यवस्था नहीं है, दूसरे दिन हो जाएगी। हम लोग रोजे रखते हैं, भूखे रहने की हमारी आदत है, सबर करने की हमारी आदत है, हमें सबर करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बाबला नहीं बचाना चाहिए। और उसकी वजह से हम मुसलमान परेशान होता है कि ये लेकर के ले जाके हमें परेशान करते हैं, उनकी नीयत परेशान करने की नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूँ खुदा के वास्ते ऐसी गलती दोबारा ना दोहराएं। निश्चित तौर पर ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति हो, क्योंकि ये देश हमारा है, हम सबको मिलजुल कर रहना है। यहाँ पर आबिद कागजी साहब, मैं क्योंकि आप सरकार से भी जुड़े हैं, आप कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन हैं राजस्थान अल्पसंख्यक विभाग के, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लगातार सरकार हालांकि अपनी तैयारियां पूरी कर रही है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन क्या कारण है उसके बावजूद भी जो संक्रमित हैं वो बढ़ते जा रहे हैं,
अगर हम बात करें भीलवाड़ा मॉडल की, तो भीलवाड़ा मॉडल जो है पूरे देश में माना गया है, पूरी दुनिया में उसको उसकी चर्चा हुई है कि भीलवाड़ा मॉडल जो है सबसे बेहतर मॉडल है। तो आप क्या कारण मानते हैं कि वो मॉडल जो है, जैसे आपका कोटा है, टोंक है, जयपुर का रामगंज इलाका है जहां हॉटस्पॉट है, ऐसी जगहों पर पूरी तरह से क्यों नहीं लागू किया जा सका? क्या इसके पीछे कारण रहे हैं? आबिद साहब देखिए, दीपक जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे पहले जो आपने बताया कि संक्रमण क्यों नहीं रुक रहा है, ये लोगों की जानकारी का अभाव और लोगों का डर। लोग ये समझ रहे हैं कि अगर हम अपनी जानकारी या हमारी जांच अगर कराने जाएंगे तो कहीं हमें क्वारंटाइन निकल लिया जाए या हम पॉजिटिव नहीं निकल जाए, तो वो डर के मारे अपने घरों से ना निकलते। कोई बाहर की अगर किसी की किसी दूसरे राज्य की हिस्ट्री है, विदेश यात्रा की हिस्ट्री है या कहीं और स्टेट की हिस्ट्री है, तो वो छुपाने में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है। जबकि हर जिले में, चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे टोंक हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कोटा हो, लोगों को, मैं धर्म पे नहीं जाता, लोगों को ये करना है कि वो आगे आके अपनी हिस्ट्री बताएं कि मैं फला दिन फला स्टेट में गया था, फला टाइम पे धार्मिक यात्रा पे गया था या इस तरह इस गया था। जब तक वो उसकी हिस्ट्री सामने आती है तो वो कई लोगों को मल्टीप्लाई कर चुका होता है। जिसे आपने मालूम होना चाहिए, ये बीमारी मल्टीप्लाई होती है। आज भगवान नहीं करे किसी को कोई बीमारी है, अगर वो फर्स्ट टाइम पे अपनी जांच करा ले तो शायद वो 150, 200, 300 लोगों को संक्रमित करने से बचा जा सकता है। लेकिन जब उसको पकड़ा, उसकी पकड़ होती है पुलिस प्रशासन द्वारा, डॉक्टरों की टीम द्वारा, तो वो कई लोगों को संक्रमित कर चुका होता है। तो मेरा मानना ये कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जानकारी का अभाव है। और रही भीलवाड़ा मॉडल की बात, ये जानकारी देगा कौन? जानकारी भी सरकार का काम है कि आम जनता को जागरूक करें, उन्हें जानकारी दें। आप जैसे लोगों का काम है, समाज सेवी संस्थाओं का काम है, तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो रही है। सरकार ने लगातार अपनी व्यक्तिगत निजी टीमें, सीएमएचओ की टीमें, डॉक्टर की टीमें, आशा सहयोगी सभी के साथ घर घर स्कैनिंग कराई है। लेकिन आप सबसे पहले, मैंने बताया दीपक जी कि इसमें सबसे पहले खुद को जागरूक होना होगा। आज डॉक्टर, सीएमएचओ या मेडिकल टीम आपके घर आई, आपकी स्कैनिंग करी, अगर आपने उसको तथ्य छुपाए तो डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो आपसे पूछ ले। तथ्य तो आपको बताने पड़ेंगे जी। अगर मैं तो बिल्कुल यहाँ पर आबिद जी, मेरा सवाल यही है कि जो लोग तथ्य छुपा रहे हैं, जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं और अपने बारे में नहीं बता रहे हैं कि उनको खांसी है, जुखाम है, बुखार है, तो ऐसे तो संक्रमण बहुत फैलेगा। तो ऐसे लोगों को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो अभी भी छुपे हुए हैं अपनी वर्तमान स्थिति? मेरा निवेदन उनसे यही है कि वो आगे चल के राज्य सरकार की, जिला सरकारों की मदद करें, आ जाए। जैसे आपने बताया बार बार, मैं बार बार कहना चाहूंगा और आपको साहब ने भी कहा कि जब शक्ति होती है तो वो धर्म पूछ के नहीं होती है। मैं मान सकता हूँ कि एक इलाके में 10 आदमी मिलते हैं, 50 आदमी मिलते हैं, जब शक्ति होती है तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं हमें खुद को चेतना पड़ेगा, हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक आदमी स्वयं होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशल परिवार की मुखियाओं को, कि अगर किसी घर में किसी की हिस्ट्री बाहर की स्टेट की है, किसी धार्मिक यात्रा की है, किसी संक्रमित व्यक्ति से बात करने की है, तो उसको आगे आना ही पड़ेगा। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आप आम आदमी की जिम्मेदारी है। सरकार तो जो कर रही है वो करेगी सही, लेकिन जिम्मेदारी हमारी आम आदमी की जिम्मेदारी बनेगी। तो मैं आपसे बार बार ये कहूंगा कि सबसे पहले हमें खुद को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। निश्चित तौर पर यहाँ पर अब्दुल साहब, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्योंकि लगातार कुछ लोग जो हैं, जो विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जिनके वीडियो भी लगातार बाहर आ रहे हैं, और वो कुछ लोग ही हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जिससे कि पूरा समाज जो है वो बदनाम होता है। उन लोगों का ये कहना है कि अगर हम मास्क नहीं पहनेंगे तो अल्लाह हमारे साथ है, हमारे कुछ भी नहीं होगा, या हम इकट्ठे होके नमाज नहीं अदा करेंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहने चाहेंगे जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं? देखिए, अगर जो भी ऐसी गलतियां कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि भाई वो इस तरह की गलतियां ना करें। ऐसी गलतियां का अब कानून भी आ रहा है,
आ चुका है कि अगर कोई गलत बात फैलाने की कोशिश करेगा या किसी के साथ जाति करेगा तो उसको सख्त सजा भी मिलेगी। मेरी एक निवेदन इस मामले में यह है कि दरअसल जो मुसलमानों के मामले में बार बार ये बात कही जा रही है, जिस तरह से रामगंज बाजार की बात कही गई है कि रामगंज में मॉडल भीलवाड़ा का लागू नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि रामगंज बाजार में आज से 6 दिन पहले हमने कलेक्टर से बात करके और वहाँ कलेक्टर, कमिश्नर, MLA तमाम उनको बुलवाया, बात हुई हमारी उनसे, हमने हमारी प्रॉब्लम्स बताई। मनका जयपुर के अंदर सिर्फ रामगंज बाजार को क्यों चुना है आपने जांच करने के लिए, और एक आदमी मिलता है और उसके पीछे 50-100 आदमी को आप ले जाते तो लोग डर रहे हैं। लेकिन सर वो तो मेडिकल की वजह से, मेडिकल की रिपोर्ट है ना वो तो। मैं पूरी बात करता हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ, पूरी बात आप सुने, लोगों को फायदा होगा इससे। जी लोगों में भय जब पैदा होता है तो लोग डरते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि आप रामगंज को छोड़ के दूसरे इलाकों में भी थोड़ी जांच करें ताकि सच्चाई सामने आ जाए कि सिर्फ ये बीमारी रामगंज में ही है या रामगंज के बाहर भी है। हमारी इस रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने रामगंज के बाहर करना शुरू किया तो पूरे जयपुर शहर के अंदर ये बीमारी मिल गई। अब वो बदनाम होना बंद हो गया रामगंज, वरना रामगंज 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 का मतलब मुसलमान, रामगंज का मतलब मुसलमान। हमारे जितने दोस्त थे उनके फोन आते थे कि तुम मुसलमानों को क्या हो गया यार, तुम मुसलमानों, अरे भाई जहां तुम जांच करोगे वहीं बीमारी मिलेगी। ये बीमारी तो कुदरत की तरफ से भेजी हुई बीमारी है, ये मेरी और आपकी बनाई हुई बीमारी नहीं है। आज पूरे जयपुर शहर में आज की खबर जो है अखबार में नाम रामगंज का है और पूरे शहर में दो इस यहाँ से 6 वहां से, 15 वहां से, 8 वहां से, पूरे जिले में पूरे इलाकों से पूरी खबर 159 है, लेकिन रामगंज खबर लग रही है रामगंज। तो ये बदनाम करने की वजह से भी कुछ मुसलमान, मेरा निवेदन यहाँ पर यही है क्योंकि सरकारी आंकड़े भी वही बोल रहे हैं ना, मीडिया तो वही बोलेगा, तो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं, सरकारी मीडिया ने अपने आप तो ये नहीं क्रिएट किया ना। मैं आपको सरकारी आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, वो सरकारी आंकड़े अब आने लगे। अभी आज के अखबार में खुद ने लिखा है, ऊपर तो लिखा है रामगंज, नीचे लिखा है फला कॉलोनी में इतने, फला में इतने, फला में इतने, यानी जयपुर शहर की VIP इलाकों में भी ये बीमारी निकलने लगी, जहां दूर दूर तक कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बीमारी कोई धर्म नहीं देखती है सर। जांच करेंगे, जहां जांच करेंगे वही तो मिलेगा सुजूर। तो मेरा ये कहना है कि मीडिया से खास तौर से कि भाई जो सच है वही लिखे, आज भी उन्होंने हेडिंग बना दी नीचे सच लिख दिया। तो इसी तरह मेरा ये कहना है कि हमें इंसाफ से काम लेना चाहिए और वो इंसाफ निश्चित तौर पर जो जांच है लतीफ साहब, वो जांच भी तो सरकार ही करेगी ना। तो यहाँ पर मैं अभी जी आपसे पूछना चाहूँ, अभी जी से मैं सवाल करना चाहूंगा कि सरकार को हर जगह ज्यादा से ज्यादा जांच करनी चाहिए क्या? सरकार पूरे जयपुर में हर जगह, राजस्थान सरकार ने पूरे राजस्थान में स्क्रीनिंग का काम शुरू किया है, दोबारा रिपीट रैपिड टेस्ट शुरू किए हैं। लेकिन मैं आरको साहब आपको भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर पूरे राजस्थान में मैंने जैसे दीदी की बात से मैं सहमत हूँ और आपसे भी सहमत हूँ कि कोई बीमारी होती है ना तो धर्म देख के नहीं आती है। और ये बात है कुछ मीडिया में मुस्लिम्स को, अल्पसंख्यक को बदनाम कर रखा है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा अवेयरनेस होना पड़ेगा, खास तौर पे मुस्लिम समुदाय को बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा। अगर हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, मैं बार बार एक बार कहूँ आपसे, अगर ये चीज हमने कर ली, पूरे हिंदुस्तान में ये चीज लागू कर दी, अगर हमने आगे चल के ही कहा कि मैं फला व्यक्ति के टच में संपर्क में आया था या फला आदमी हमारे घर पे आके रुका था, तो वो हमारे लिए ज्यादा कारगर होगा। बिल्कुल बताना पड़ेगा सर, यही हमारा मतलब है। बिल्कुल आबिद साहब आप सही कह रहे हैं कि हमें खुद को आगे आना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, क्योंकि क्या होगा कि आरको साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, क्या होता है कि हमने एक व्यक्ति में संक्रमित हुआ, हमने उसको नहीं बताया, वो 10 से मिला, 100 से मिले, धीरे धीरे पूरा इलाका उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। अब हुआ क्या कि वो जिससे मिला वो बेचारा बेकार में गया, वो जिससे मिला वो बेकार में गया, इससे एक कम्युनिटी में वो स्प्रेड हो गया पूरी जगह। मान लो संख्या 100 में से 90% 100 में से 90 मुस्लिम हो गए, 10 हिंदू कम्युनिटी के हो गए, तो लोगों में ये मैसेज जाता है कि भाई आपने इसका पहले ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहले हमें खुद को अवेयरनेस होना पड़ेगा।
में बिल्कुल भीलवाड़ा की बात बताऊं, भीलवाड़ा में पुलिस ने, प्रशासन ने घर घर जाकर शेर काजी ने, वहां की मुफ्तियों ने, वहां के आलिमों ने, वहां के प्रोफेसर ने जब इलाकों में जाकर ये कहा क्या आप आगे आए और जांच कराए, लोगों ने जब आगे आए जांच कराई तो धीरे 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 आप देखें वहां से केस आना कम हो गए। और ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही है, ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा रही है, अल्लाह का इतना बड़ा करम रहा है कि आप धीरे धीरे भीलवाड़ा कोरोना मुक्त हो गया। यही हाल कोटा का था। बिल्कुल यहाँ कोटा में बिल्कुल यहाँ पर हमारा भी है। बिल्कुल अभी सब मेरा सवाल यहाँ पर यही है। मैं दीपक जी मेरी बात एक पूरी करूंगा। हमारे जी, जी, जी। कोटा में जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, मकबरा एक एरिया था, उसमें एक ड्राइवर ने बात छुपाई कि मैं किसी व्यक्ति को लेने गया था, उसने बात छुपाई, उसको छोड़ दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने, अकेले व्यक्ति ने कम से कम 25 आदमी को संक्रमित किया। अब गलती किसकी है? इसी तरह तेलघर से ले लें अपन। तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले मैं मानता हूं कि कई मीडिया, कई अखबार इसको धर्म से जोड़ के देख रहे हैं, लेकिन ये बीमारी धर्म नहीं देखती, ये सिर्फ इंसान देखती है। मरने वाला व्यक्ति कोई होगा तो वो भारतीय होगा। काउंटिंग ये हुई है कि 720 आदमी मरे राजस्थान में, तो ये आ रहे हैं कि राजस्थानी मरे, उसमें ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, वो सिर्फ राजस्थानी है। कोई भी धर्म या संप्रदाय का व्यक्ति नहीं मरता है, मरता है तो वो एक भारतीय मरता है। हम यहाँ पर लगातार इसी बात को कर रहे हैं। और लेकिन लेकिन यहाँ पर देखिए अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम चाहे लतीफ साहब जैसे कह रहे थे कि बार बार रामगंज की बात करते हैं, चाहे आप कोटा की बात कर लीजिए, चाहे आप टोंक की बात कर लीजिए, तो एक अवेयरनेस की जहां जहां कमी नजर आ रही है वहां वहां ये कोरोना है जो ज्यादा फैल रहा है। तो हम आप जैसे लोगों को इसलिए हमारे प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं ताकि आपकी बात को आम जनता सुने, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग सुने, क्योंकि हमारी बात से ज्यादा आपकी बात पर तवज्जो होता है, आपकी बात को माना जाता है, क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं अपने समाज के। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि रमजान के इस पाक महीने में, इस पवित्र महीने में, हम हमारी पिछली गुनाहों को कबूल करते हुए कि आगे भविष्य में हम इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे और एक अच्छे समाज, अच्छे देश का निर्माण सब मिलकर करेंगे। और चलते चलते मैं लतीफ साहब आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे हमारे सिटी लाइव के माध्यम से। मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई जो सरकार के नियम हैं उनकी पालना करें, और जरा भी आपको लगता है कि मुझे खांसी है, बुखार है, जुखाम है, कुछ भी है, तो डर निकाल करके आप स्वयं जाकर के अपनी जांच कराएं, ताकि आपके अपने लोग भी बीमारी से बच सके। आपके अंदर में मान लीजिए बीमारी आ गई है तो मैं जाकर आगे होके पेश करना चाहिए अपने आप को। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा सब लोगों को कि आप बिल्कुल ना डरें, और ये थोड़े टाइम की बात है। जो लोगों ने नफरत भी बांटी है तो हम मोहब्बत बांटें, हमारा काम मोहब्बत बांटना है, इसलिए हम मोहब्बत बांटें और नफरत बांटने वालों से भी नफरत ना करें, उनसे भी भाईचारा बना के रखें। यही एक तरीका है नफरत को दूर करने का। बिल्कुल आबिद साहब मैं आपके पास आना चाहूंगा चलते चलते, क्योंकि रमजान का महीना है, सब लोग एक साथ नमाज अदा न करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मस्जिदों में न जाएं, अपने घरों पर ही नमाज जो है वो अदा करें, अपने घरों से ही इबादत करें। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी मेरे प्रदेशवासियों, भारतवासियों, खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह हमने एक महीने या डेढ़ महीने सबर से काम लिया है, हमें आगे भी वो सफर किससे काम लेना है। मस्जिदों में नमाज घर पढ़े, मस्जिद में पढ़े, खुदा सब जगह है। हमें ऐसी काम ना किलवाए रमजानों के महीने में कि लोग हम पर उंगली उठाए कि लोग इकट्ठे होकर नमाज अदा कर रहे हैं, इनकी वजह से कुछ हो रहा है, तो वो काम ना करें। जिस तरह पूरे महीने घरों पर रहकर नमाज अदा की है, कलाम पाक की तिलावत करी है, आगे भी रमजान के महीने में घरों पर रहकर तिलावत करें। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहूंगा, जहां तक सिटी लाइफ से मेरी आवाज पहुंच रही है, रमजान के महीने में लोगों को जरूरत तो हमेशा है, लेकिन खास तौर पे मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में जो सक्षम है, भामाशाह है, जो जकात खैरात निकालते हैं या वैसे भी लोगों की मदद करते हैं, इन सब की जरूरत है। लोग जाएं, आगे बढ़कर लोगों की मदद करें, उनको रमजान किट, शेरी किट या जिस तरह से मदद करना चाहे करें, क्योंकि वो लोग आज परेशान है, वो लोग हमारे ऊपर, सरकार तो उनकी मदद कर ही रही है, लेकिन स्थानीय मदद पे हमारे ऊपर, आपके ऊपर लतीफ, आप आरके साहब के ऊपर, कई भामाशाहों के ऊपर
नजरें जगाए बैठे हैं कि लोग हमारी मदद करेंगे। तो ये सिटी लाइव के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि जितनी चाहे वो खाने से हो, सूखे राशन से हो, पैकेट से हो, राशन किट से हो, मदद पहुंचाए। वो लोग अपने आप को अकेला, असहाय, कमजोर महसूस न करें। जी, आप दोनों ने, आबिद साहब आपने और लतीफ साहब आप हमारे साथ जुड़े, और हम सभी समाज के लोगों से, सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इस COVID-19 से, कोरोना से डरना नहीं है, हमको लड़ना है, और सबको एक साथ जुट होकर लड़ना पड़ेगा, तभी हमारी जीत निश्चित होगी। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। City Live, a platform to sharing your thoughts.